किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनकी कल के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या आदेश मिला है वहाँ से आपको? देखिए, जो अभी परसों की सरकार के साथ बैठक हुई थी उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला, वो बेनतीजा रही और सरकार का रुख ठीक नहीं था। तो थोड़ी अपनी ताकत अब और दिखाने के लिए कल हम एक ये ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं कि एमपी पे, सरकार को नींद से जगाने के लिए, सरकार को उसकी हैसियत दिखाने के लिए, सरकार को उसकी औकात बताने के लिए कि भाई पूरे देश का अन्नदाता, पूरे देश के किसान अब जाग चुके हैं। और कल एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च होगा, इतने हजारों हजारों ट्रैक्टर कल के एमपी पे होंगे और जो दूर के ट्रैक्टर के एमपी पे नहीं पहुंच सकते वो अपने जिला हेडक्वार्टर पे, अपने तहसील हेडक्वार्टर पे वो मार्च करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये सरकार अपनी कुंभकर्णी रूपी नींद से जाग जाए, अन्यथा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर जो धरना चल रहा है, यहाँ के किसानों को कहाँ जाने का आदेश मिला कल के लिए? देखिए, पहले सिंगू बॉर्डर से शुरू होगा, कल सिंगू से ट्रैक्टर जाएंगे टिकरी, टिकरी से ट्रैक्टर जाएंगे ढासा, ढासा बॉर्डर से ट्रैक्टर आएंगे पलवल, तो पलवल वाले किसान भाई यहाँ से जुड़ेंगे और आगे वो गाजीपुर की तरफ वो कूच करेंगे और फिर गाजीपुर के ट्रैक्टर हैं वो और आगे जाएंगे। तो इस तरीके से कि ये पूरा सर्कल होगा और जो 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उसका हम रिहर्सल करेंगे कल किसान, और ये तो एक डेमो होगा। यदि सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो अब की बार 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस होगा और देश का अन्नदाता, जिसके पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपनी शहादत दी थी, अब की बार वो देश का अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर परेड करेगा। इस गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आना था, उनका यहाँ दौरा कैंसिल हो गया, किस रूप में रहते हैं आप? देखिए, वो उनका किस उसमें हुआ है उस पर हमारी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हमारा ये देश का जो आंदोलन चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, तो हम किसी भी बाहरी व्यक्ति के किसी भी एक्शन पे हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि हमारे देश के किसानों में इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी मांगे मनवाएंगे और निश्चित तौर पर इस आंदोलन की जीत होगी। जो ट्रैक्टर आप रिहर्सल की यात्रा की बता रहे हैं कल और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी, ट्रैक्टरों के आगे क्या तिरंगा भी लगाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तिरंगा झंडा होगा सभी ट्रैक्टरों के आगे होगा। और एक, जैसा मैंने पहले कहा, ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक होगी। सबसे बड़ी जो देशभक्त कौम है पूरे देश के अंदर, किसान समाज है, किसान समाज आज खेतों में है, धरती माता का सीना चीर के वो पूरे देश का पेट भरता है। और हमारे ही परिवार के भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे परिवारों के बेटे, वो आज बॉर्डर पे देश की रखवाली कर रहे हैं। तो हमारे भाई हैं वो बॉर्डर की रखवाली पे हैं और हमारे देश के जो अन्नदाता, जो किसान भाई हैं, वो देश के अंदर रहकर देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान है, सभी ट्रैक्टरों के आगे तिरंगा झंडा होगा और कल के दिन देश के किसान अपनी ताकत दिखाएंगे। जगह जगह किसान आंदोलन हो रहे हैं, काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, 40 दिन से ऊपर भी हो चुके हैं, इस दौरान कई किसानों ने अपने प्राण भी गंवाने पड़े हैं। पलवल की बात करें तो पलवल में ग्वालियर से है सुरेंद्र सिंह की डेथ हो गई है, क्या किस रूप में लेते हैं आपकी सरकार का जो अड़ियर लुक है उसकी वजह से भी एक किसानों को मौत का शिकार होना पड़ रहा है? देखिए, जो ये हमारे 70 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, इन्होंने किसान समाज के लिए शहादत दी है, फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने के लिए शहादत दी है। और बड़ा दुर्भाग्य है ये कि अभी सत्ता में बैठी हुई सरकार, वो सत्ता के नशे में चूर है और उसको ये किसानों की शहादत दिखाई नहीं दे रही है। 30 तारीख की बैठक में जब हमने कहा था कृषि मंत्री से कि भाई आप इस बैठक की शुरुआत शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देके कीजिए, तो उस समय कृषि मंत्री ने इस्तेमाल किया था शब्द कि जो किसान हताहत हुए हैं उसको लेकर उन्हें दुख है। उस हताहत शब्द से हम बड़े आहत हुए थे कि हमारी सरकार शहीद किसानों को शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब की बार की बैठक जो हुई 4 तारीख को, उसमें हमारे नेताओं ने साफ कर दिया कि पहले शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन होगा और उसके बाद बैठक की शुरुआत होगी। तो अब की बार सबने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। तो हम तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, परमात्मा से, कि वो इस सरकार को सद्बुद्धि दे और जो सरकार ये किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है, कुदरत भी जो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, हम कोई भी इम्तिहान देने को तैयार हैं और ये आंदोलन हर हालत में जीतेंगे और इस आंदोलन में जीत किसान समाज के जन जागरण की शुरुआत होगा, अंत नहीं। ये 8 तारीख को एक और दौर की वार्ता होने वाली केंद्र सरकार के साथ, क्या लगता है आपको? देखिए, हम पहले दिन से बातचीत को लेकर हमेशा आशावादी रहे हैं
और लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही निकलता है। इसीलिए हमारी तरफ से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि सरकार तारीख पे तारीख देती जा रही है और हमारे अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं और वो शहीद हो जा रहे हैं। तो सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए और सरकार को जरा अन्नदाता की सोचनी चाहिए कि इसके सब्र का ज़्यादा इम्तिहान ना लिया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कहते हैं कि वो किसानों की बनाई हुई सरकार है, किसानों के लिए काम कर रही है, किसान भ्रमित है, केवल मात्र पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को दिक्कत हो सकती है, अन्य राज्यों को नहीं है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, चाहे तो इनको जानकारी नहीं है या फिर इनके अधिकारी गण इनको बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो किसान भ्रमित नहीं है, सरकार आज के दिन भ्रमित है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब 3 तारीख की बैठक हुई थी 3 दिसंबर को, हम सब 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था किसानों की तरफ से और सरकार के बड़े बड़े धुरंधर उसमें मौजूद थे, कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री थे, सोमपाल शर्मा जी जो पंजाब के जो वाणिज्य राज्य मंत्री हैं जो देश के जो पंजाब से आते हैं वो भी थे। तो जब वहाँ पर चर्चा हुई सेक्शन वाइज क्लोज वाइज, हमने एक एक सेक्शन में बताया कि किसमें क्या गलती है, ना तो केंद्र सरकार के अधिकारी कोई जवाब दे पाए, ना केंद्र सरकार के मंत्री। उसके बाद मंत्रियों ने हमें ये सुझाव दिया कि वो संशोधन करने को तैयार हैं। अब आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब सरकार ये कह रही है कि वो संशोधन करने को तैयार हैं, इसका मतलब सरकार ने ये तो स्वीकार कर लिया ना कि कानूनों में गड़बड़ है, कानूनों में गलतियां हैं। ये कानून यदि इतने अच्छे होते तो 2006 में जब बिहार में लागू हुए थे, आज के दिन मैं आपको बताऊं बिहार के किसानों की एक किसान परिवार की वार्षिक आय है मात्र 42,000 रुपये, हरियाणा के किसान की वार्षिक आय है 1,90,000 रुपये, पंजाब के किसान की वार्षिक आय है 2,19,000 रुपये। यदि ये कानून इतने अच्छे होते तो बिहार के किसानों की वार्षिक आय इतनी कम क्यों है? बिहार में मक्का 500 रुपये क्विंटल क्यों बिका जिसका सरकारी रेट 1,850 रुपये क्विंटल है? बिहार में अब तक धान की खरीदी शुरू क्यों नहीं हुई है? तो ये कानून किसानों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ये कानून किसानों के लिए मौत के फरमान है, डेथ वारंट है। सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होता है कि आप भी अड़ियल अपनाए हुए हैं, किसान जब संशोधन की बात कर रही है, जो संशोधन आपको अच्छे लगते हैं उनको आप मान लीजिए। नहीं, देखिए, इसमें एक चीज समझने की है, जो ये कानून है ये संविधान विरोधी है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो, एक मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो फूड स्टफ है उनकी ट्रेडिंग के लिए तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन फूड ग्रेन के लिए कानून नहीं बना सकती। इसको मैं और सरल भाषा में समझाता हूं, केंद्र सरकार आटे की ट्रेडिंग के लिए तो कानून बना सकती है, लेकिन गेहूं के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। केंद्र सरकार चावल की ट्रेडिंग के लिए तो कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार धान के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती है। तो किसान जो पैदा करता है वो धान पैदा करता है, किसान जो पैदा करता है वो गेहूं पैदा करता है, तो हम फूड ग्रेन पैदा करते हैं। तो ये संविधान को बचाने का मामला है। और हमने अब की बार मीटिंग में केंद्र सरकार से पूछा कि भाई आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके दो ही मतलब है। इसके पहला मतलब तो चाहे तो ये है कि आप संविधान को मानते नहीं हैं, दूसरा मतलब ये है कि हमारे जो संविधान बनाने वाले जो हमारे महानुभव थे उनके ऊपर सरकार को विश्वास नहीं है। इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है, तो उसका केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जो कृषि है, जो खेती बाड़ी है, वो राज्य सरकारों का विषय है, तो उसमें केंद्र का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ, जब ये सरकार पहली बार 2014 में सत्ता में आई थी तो इसने पहला निर्णय क्या लिया था कि जो राज्य सरकारें गेहूं और धान पे जो बोनस देती थी उसको जबरदस्ती बंद कराया था केंद्र सरकार ने। तो ये सरकार शुरुआती दिनों से किसान विरोधी रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये क्या कहते थे कि जी पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। 16 फरवरी 2015 को इन्होंने क्या एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस मुखोपाध्याय, जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP नहीं दे सकते। और अभी 10 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को कि जी हमने तो C2+50 दे दिया बहुत पहले का। अरे भाई, चाहे तो आपका एफिडेविट गलत था या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आप आज गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो आप ऐसी बातें मत करिए जो सत्ता से बहुत परे हैं, जिनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़े दुख की बात है कि आज देश का जो नेतृत्व है वो ऐसी बातें कर रहा है जिसका तथ्यों से और सत्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको कहना चाहती है कि एफिडेविट में भाषा और बोलते हैं, भाषणों में भाषा और बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, OECD जो 36 देशों का संगठन है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 17 सालों में हिंदुस्तान के किसानों को जो उचित MSP नहीं मिला
उसके कारण हिंदुस्तान के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और हमारे ऊपर टोटल कर्ज कितना है देश के संपूर्ण किसानों के ऊपर नाबार्ड के अनुसार मात्र 8 लाख करोड़ रुपया। यानी हमें उचित एमएसपी मिलता तो ना तो हमारे ऊपर कर्जा होता और 37 लाख करोड़ और मिलते जो सरकारों की तरफ हमारे बकाया हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के तो इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जब ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे प्रधानमंत्री मोदी जी। इन्होंने उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में लिखा था कि भाई किसानों के लिए एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। तो मोदी जी जो बात आप मुख्यमंत्री होते हुए कहते थे उसी को तो लागू कराने की बात कह रहे हैं कि किसानों को फसलों पे एमएसपी गारंटी दी जाए, लेकिन आप उससे भी दूर भाग रहे हैं। हर फसल पे प्रति एकड़ एमएसपी ना मिलने के कारण हर किसान को 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं 2000 का झुंझुना हाथ में पकड़ा के कहते हैं किसानों का भविष्य बदल जाएगा। माननीय मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हम स्वाभिमानी कौम है, ये किसान कौम स्वाभिमानी है, इसको कोई भीख नहीं चाहिए, आप हमें हमारा हक दीजिए, हम अपना हक मांगते हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं। तो जो आज के दिन जो ये स्थिति है बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश का किसान मोदी सरकार पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए और कोई नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार जिम्मेदार है। इन्होंने इतनी बार किसानों को छला है, इतनी बार किसानों को ठगा है, इतनी नीतियों में ठगा है। अब देखिए फसल बीमा योजना, बीमा कंपनी 27,000 करोड़ रुपया कमा गई, किसानों को कुछ मिला नहीं। भावांतर योजना, किसानों के कपड़े फट गए, किसानों को कुछ मिला नहीं। खुद भिवानी महेंद्रगढ़ से जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि भाई हरियाणा की सरकार ने कहा भावांतर योजना के तहत कि टमाटर का दाम 4 रुपये किलो फिक्स कर दिया, लेकिन वो मार्केट में 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो बिका, सरकार ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री आशा योजना कहाँ गई, हवा में आई हवा में गायब हो गई। भावांतर योजना हवा में आई हवा में गायब होगी। ई नेम मंडी, ये सारे किसान भाई खड़े हैं, सरकार ने दावा किया कि डिजिटल मंडी बनाएंगे, पूछना इन किसान भाइयों से कौन से तहसील में भाइयों डिजिटल मंडी बन गई, कौन से तहसील में आपके खाते में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं बताइएगा। एक आया सोयल हेल्थ कार्ड योजना कि किसानों के लिए सोयल का हेल्थ कार्ड बनाएंगे, कितने किसान भाइयों को सोयल हेल्थ कार्ड मिल गया जी, ये सब किसान भाई खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहे तो वो खुद भ्रमित हैं या फिर उनके अधिकारी उनको गलत सूचना दे रहे हैं।